इनका नाम और गुमनाम है। हमारा राजा गोंड का किला जो प्रदेश स्तरीय पर उसे सजो कर रखने का रखना चाहिए, हमारे सरकार का दायित्व बनता है, हमारे स्थानीय सरकार का दायित्व बनता है, उसे पर्यटन स्थल बनाना चाहिए। कुकरू खामरा को पर्यटन स्थल बनाया और हमारे राजा गोंड को प्रतिष्ठा नहीं बना, क्या वो हमारी धरोहर नहीं है? ये सबको हमको समझना पड़ेगा। आपस में लड़के कुछ नहीं मिलेगा। ये राजनेता फूल साजिश से होती है इन लोगों की कि आपस में लड़ाए और अपना राज करे। ये राज हमें खत्म करना पड़ेगा। और ये राज को खत्म कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। शिक्षित युवाओं को आगे आना पड़ेगा, अपने हक अधिकार संस्कृति और अपने रीति रिवाज को बचाना पड़ेगा। ये शिक्षित युवा का कार्य है। एक बूढ़ा व्यक्ति किसान है, सुबह उठ के अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेत जाता है, लेकिन शिक्षित युवा का अधिकार होता है कि अपना पापा खेत गया है तो हमें शिक्षा का सही उपयोग करें, हमारे रीति रिवाज संस्कृति को बचाएं। आज हम YouTube, Facebook, Instagram पे रील बनाने में बने। अगर हर युवा आदिवासी अपने रील पे संस्कृति रीति रिवाज डाले तो जिस प्रकार से दादा ने कहा है कि इस प्रकार के कपड़ों और इस प्रकार मणिपुर घटनाओं का विरोध होना चाहिए, आज सड़क पे पूरे आदिवासी समाज जुड़ जाएगा, उसको न्याय एक दिन में मिल जाएगा। क्योंकि भारत देश में 75% आदिवासी है, बैतूल जिले में 85% आदिवासी है। हमारा होशंगाबाद बैतूल जिला आदिवासी क्षेत्र है, आज तक किसी को नहीं पता। आदिवासी अगर चाहे शिक्षित युवा अपने रूप अपने अधिकार के लड़े, और जैसे जामन सर जैसे शिक्षित युवा आगे आ रहे हैं उनका साथ दे, तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा अपने अधिकार को मांगने में। इस प्रकार से सड़कों पे नहीं घूमना पड़ेगा, इस प्रकार की घटना नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारे साथ शिक्षित और बुद्धिजीवी नेता लोग हैं, जो कि शिक्षित जैसा भैया ने कहा हमारे सिंगर साहब ने कि हमें राजनीति करनी पड़ेगी, हमें राजनीति नहीं कर सकते तो जो राजनीति कर रहे हैं उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार की घटना और मणिपुर जैसी घटना और उस नेता की जैसी घटना जो हमारे आदिवासी में मूत्र है, इस प्रकार की घटना का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। ये हमारी कमजोरी है की, जो कि आगे आके हम अपनी बात नहीं रखते। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी को इतने रूप से प्रभावित करूं, लेकिन दादा के भाव मेरे दिल को छुए जिसके कारण मेरे को आगे बढ़ना पड़ा। सोनू भैया ने कहा तू कुछ कहना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं जब कहता हूं तो मैं अपने दिल की बात साफ साफ कहता हूं, चाहे वो मेरे विपक्षी हो चाहे नहीं हो या मेरे विरुद्ध खड़े हो, लेकिन जो सत्य के लिए बात होती है मैं सत्य के लिए कहता हूं। मैं बता देना चाहता हूं, और आज भी फिर भी ये इतने से युवा कम नहीं है। अगर इतने से युवा भी अगर ठान ले जिस प्रकार से दादा को न्याय मिलना चाहिए, तो ये इतने से युवा एक मुट्ठी जो होती है ना, ये पावरफुल होती है। ये हर कोई चाहता है। भैया ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें लड़ना सिखाया, अपने अधिकार को मांगना सिखाया, संविधान पढ़ के देखो तुमको उन्होंने जीना सिखाया। क्योंकि जिंदगी का आधार यहाँ आके इंस्टाग्राम रील फेसबुक और नेताओं के पीछे खड़े होके झंडे और पैकेट खा के खत्म नहीं करना चाहिए। आदिवासी का एक इतिहास रहा है, ये देख सकते हो कितने आदिवासी हैं जो कि विलुप्त होने के बावजूद इन्हें हम उजागर कर रहे हैं, और क्रांतिकारियों के पीछे सारे के सारे उनके पीछे हमारे आदिवासी भाई खड़े थे जो कि आज भी गुमनाम है। हम ऐसे 75वां अमृत उत्सव गुमनाम क्रांतिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, और जो जीवित है जो वर्तमान में उनके लिए लड़ रहे हैं। तो हमें अपने 85% ट्राइबल एरिया पे होने का सबसे बड़ा घमंड जो है उस पर धिक्कार है। भाइयों मैं ये कह देना चाहता हूं, हमें हमेशा एकत्र होकर रहना पड़ेगा, आपस में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक चाटुकार नेता है जो कि हमारे साथ खड़े होकर हमारे साथ रहकर इन जैसे दादाओं को घर पहुंच कर भी उन्हें न्याय नहीं दिला पा रहे, उन जैसे नेताओं से हमें सावधान रहना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि इस देश के और इस देश पे हमारे ऊपर कानून लागू तो होती है, लेकिन कब लागू होती है? जब उसका अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने सीधे सीधे संविधान में लिखा गया है, जब हम पे लागू होती है। जिस प्रकार से हमका अत्याचार शोषण और इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है कहीं ना कहीं, इसके ऊपर भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उस पूर्वजों के समान जैसे हर किसी क्रांतिकारी के हाथ में भाला और हथियार है, अगर आज हम भी हथियार लेके घूमे आदिवासी, तो किसी की औकात नहीं कि हम लोगों के ऊपर नजर उठा के देख ले